हाउ टू फिल ए चेक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को टिकिराज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर किसी भी बैंक का चेक को कैसे फिलअप कर सकते हो। तो जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और यदि आपने मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को जरूर दबाएगा। तो दोस्तों चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, यदि आप अपना खुद का वेबसाइट बनवाना चाहते हैं तो हम प्रोवाइड करते हैं वेब डेवलपिंग डिजाइनिंग सर्विसेज। हमारी टीम से वेबसाइट बनाने पर आपको मिलेगा फास्ट एंड क्वालिटी सर्विसेज, 24/7 सपोर्ट, एडसेंस अप्रूवल वेबसाइट। दिए गए डिटेल्स पर कॉन्टेक्ट करें और आज ही अपना वेबसाइट बनवाए। थैंक यू। तो दोस्तों जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, यहाँ पे चेक है। तो सबसे पहले तो आपको चेक पे क्या करना होता है, आपको यहाँ पे डेट भरना होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने डेट भरा है 05/06/2018, यानी कि 05 हो गया डेट, 06 हो गया मंथ और 2018 हो गया ईयर, ठीक है। और दोस्तों ये जो है आप यहाँ पे डेट जो देते हो, ये डेट से लेकर 3 महीने तक जो है आपका चेक जो है वो वैलिड रहता है। यदि 3 महीने होने के बाद भी ये चेक के जरिए से पैसे विड्रॉ नहीं किया जाता है तो ये चेक जो है वो इनवैलिड हो जाएगा। 3 महीने के बाद ये चेक जो है कोई भी काम में उपयोग नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डेट देने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पे आप जैसे कि नाम देख सकते हो, यहाँ पे जो आपको नाम दिखाई दे रहा है राज कपूर, ध्यान रहेगी दोस्तों यहाँ पे जो पे दिखाई दे रहा है, पे के ठीक यहाँ पे बिल्कुल भी गैप ना छोड़ के आपको राज कपूर उस बंदे का नाम लिखना है यहाँ पे जिसको आप पैसे देना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा भी गैप मत दीजिएगा, नहीं तो जैसे कि हो गया यहाँ पे लोग जो है यहाँ पे राम राज कपूर जो है मतलब नाम जो है अदल बदल कर देगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपको यहाँ पे थोड़ा भी जगह नहीं छोड़ना है, और प्लस नाम खत्म होने के साथ साथ यहाँ पे आपको पूरा देश लगा देना है ताकि ये चेक जो है बिल्कुल भी मॉडिफाई ना हो और उसी बंदे को पहुंच पाए जिस बंदे को आप चेक देना चाहते हो, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे उसके बाद आपको यहाँ पे जो है अमाउंट लिखना है। अमाउंट जब आप लिखोगे तो आपको यहाँ पे जैसे कि आपने नाम लिखा वैसे ही आपको यहाँ पे गैप नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी। उसके बाद यहाँ पे भी आपको गैप नहीं छोड़ के यहाँ पे डैश मार्क दे देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अमाउंट डालना है। यहाँ पे आप देख सकती हो, जैसे आप यहाँ पे रुपीज देखती हो उसके बिल्कुल सामने में ही जो है डिजिट आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए, और यहाँ पे बिल्कुल भी गैप मत छोड़िए, नहीं तो लोग जो है मॉडिफाई कर लेगा और जो है फ्रॉड बहुत से लोग ऐसे केसेस में करते हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पे बिल्कुल भी जगह नहीं छोड़ना है। और यहाँ पे आप अमाउंट लिखने के बाद साथ ही साथ यहाँ पे जो आपको स्लैश और हाइफिन दिखाई दे रहा है ये आपको देना है, और इसके जगह पे जो है आपको बिल्कुल भी गैप नहीं देना है, ठीक है, ताकि लोग और 10 ऐड ना कर पाए, ठीक है। तो दोस्तों फाइनली आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है, अपना वही सिग्नेचर करना है जो आपका बैंक में रजिस्टर है। आपने जब बैंक खाते खुलवाया था उस वक्त जो आपने सिग्नेचर दिया था वही सिग्नेचर आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे जैसे कि हो गया, आप ये चेक को जो है बैंक में जाके सिर्फ यही बंदा निकाल पाए जिसके नाम में आप चेक दे रहे हो, तो आपको क्या करना है, ये और बियरर जो दिखाई दे रहा है इसको यहाँ पे कट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको लाइन खींच देना है, इसे कट कर देना है ताकि जिसको आप चेक दे रहे हो वही बंदा जाके बैंक से पैसे निकाल पाएगा। यदि आप इसे कट नहीं करेंगे तो उसके बिहाफ में भी कोई दूसरा बंदा भी जाके पैसे निकाल सकता है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे आप जैसे कि देख पा रहे हो, यहाँ पे मैंने एसी पे ही दिया है। तो एसी पे ही यहाँ पे देने का मतलब ये होता है कि ये जो आपने चेक जिसको दिया है, ये जो है चेक जो है दोस्तों ये कैश विड्रॉ कर नहीं पाएगा ये बंदा, ठीक है, इसे सिर्फ अपना अकाउंट में ही वो ट्रांसफर कर पाएगा। तो दोस्तों यदि आप चाहती हो कि ये बंदे को कैश मिले तो दोस्तों आपको ये नहीं देना है जो मैंने ये दिया है, ठीक है। ये देने का मतलब है वो सिर्फ अपना बैंक अकाउंट में ही पैसे ट्रांसफर कर पाएगा जिस बंदे को आपने ये पैसे दिया है, ठीक है। तो दोस्तों सिंपल सा है, सिर्फ इतना ही आपको फॉर्मेलिटीज जो है ये पूरा करना है चेक के अंदर, उसके बाद जो है आपका चेक वैलिड बन जाएगा। तो दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।